गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अड्डा 247 का स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोलंकी आपके साथ, आपके LIC IT ऑफिसर की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज आपका पार्ट 3 होने वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके MC क्वेश्चंस का, राइट। तो भाई देखो, ध्यान से सभी लोग इस टॉपिक को हम लोग कवर करते आ रहे हैं, राइट। दो हमने इसकी क्लासेस कर चुके हैं और आज हमारी इसकी थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग आपके C++, जावा या जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उनसे रिगार्डिंग जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर आपके सामने कवर कर रहे हैं, राइट। तो सीधे हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके लिए आपके आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो दिखाई दे रहा कंप्यूटर जी, पहला क्वेश्चन देखिए। अगर देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है सर आपका सी का, और पूछा गया है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। तो देखो, इस तरीके का प्रोग्राम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो, अब यहाँ पर इंक्लूड, ठीक है, और int xyz आपका लिया यहाँ पर इन्होंने, यानी कि इंटीजर वैल्यू है आपका, एक फंक्शन लिया और इसमें उसके इक्वल टू कर दिया 10। फिर हमने उन्होंने int main फंक्शन लगाया, राइट, और उसको शुरू किया। तो यहाँ पर int की वैल्यू रखी उन्होंने xyz इक्वल टू 20। फिर आपका प्रिंट एफ से क्या आपका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, और रिटर्न वैल्यू 0 कर दी है। अब पूछा ये क्या है कि इसका आउटपुट 20 आएगा या 10 आएगा या 30 आएगा या कंपाइलेशन एरर देगा या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी है या ऑप्शन ई है। तो सर सीधे हम देखते हैं, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 20, राइट। तो सर यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए। क्वेश्चन सेकंड कहता है सर आपका, इफ ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 15 देन द स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू ए आपका गिरदर ने लेसन में आता है आपका, तो क्या आएगा आपका। यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई है आपकी ए और बी की, तो भाई बताइए जरा क्या आएगा यहाँ पर, ए ग्रेटर देन बी होगा या ए ऑब्लिक बी होगा। तो सर असाइन अ वैल्यू 8 टू एक्स या फिर गिव एन एरर मैसेज या असाइन अ वैल्यू 15 टू एक्स या असाइन अ वैल्यू 7 टू एक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई देखिए ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से, और आपको आंसर देना है इसका, ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो सीधे हम देखते हैं सर यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन आपका सी, सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ अभी आपसे एक आउटपुट पूछा है किसी प्रोग्राम का, ठीक है। तो सर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द दिस प्रोग्राम फाइनल क्लास ए। तो सर इंट यहाँ पे लिया है, आई इन्होंने ले लिया वेरिएबल, और फिर क्लास बी ले ली है, और फिर सिस्टम से आउटपुट निकाला इन्होंने, और क्लास इनहेरिटेंस पे भी गए हैं ये लोग, और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लगा दिया है। तो यहाँ पर सर आपको देखना है इसका आउटपुट क्या आएगा। जहाँ ध्यान से आराम से क्वेश्चन को देखें पहले और फिर इसका आउटपुट निकालें क्या आउटपुट निकलेगा, राइट। तो ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको प्रोग्रामिंग करनी नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग की हुई है तो आपको उसका आइडिया लगाना है कि आखिर आपका प्रोग्राम किस तरीके से आएगा या वहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है उसमें से क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा या सी होगा या डी होगा। तो भाई फटाफट से मुझे आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा। यहाँ देख रहे हो आपका, यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है, राइट, ये आपका इन्होंने फंक्शन ले लिया है, इंट आपका वेरिएबल एक्सटेंड कर दिया, क्लास बी डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सर आपका ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने इससे स्टार्ट किया है, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टर्मिनेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो सर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, क्या आंसर आएगा फटाफट से देखिए क्या आंसर है। तो सर यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कंपाइलेशन एरर इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम क्लास एलिगेटर। तो सर आपका स्टार्ट किया इन्होंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से स्ट्रिंग फंक्शन लगा आपका लगा दिया और आपका एलिगेटर लगा दिया, फिर इंट यहाँ पे लिया इन्होंने एक्स और उसकी वैल्यू पुट कर दी आपको यहाँ पर, और फिर इंट को इन्होंने वाई से इजल टू एक्स को टर्मिनेट कर दिया, फिर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो भाई इसका आपको आउटपुट देना है, क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे सर देखो सीधे सीधे मैं आपसे आउटपुट पूछ रहा हूँ, एक प्रोग्राम दे रखा है आपके सामने और उस प्रोग्राम से आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखो थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो आप इसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जो नेटवर्किंग फील्ड से हैं या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आपका जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होता है वो एक दो ही क्वेश्चन आएगा तो अदरवाइज मोस्टली जो है आपसे थ्योरी पूछी जाएगी। लेकिन आपको प्रोग्राम पूछा अभी जा रहा है तो पहले प्रोग्राम आपको सामने दिया होगा
और उसका आउटपुट पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे सर इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी 3 आपको यहाँ इसका आउटपुट मिलेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आएगा, 3rd, यानी कि बी। क्वेश्चन फिफ्थ सर आपका, द आउटपुट ऑफ द कोड बिलो इज, तो इंक्लूड डॉट एचडीओ एच, ये आप देखा होगा सी में आप यूज़ करते हो, तो आपको ये लाइब्रेरी फाइल लगाते हैं, हेडर फाइल लगाते हैं, वॉइड मेन लिया, इंट एक्स इज इक्वल टू 0 है, और इफ़ यहाँ पे इफ़ और एल्स का फंक्शन का यूज़ किया इन्होंने यहाँ पर, तो यानी इन्होंने बता दिया भाई कि अब ये एक्स इज इक्वल 0 होता है तो हाई, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका हाउ आर यू, ठीक है, या फिर हेलो, ये 3 से 3 इन्होंने यहाँ पे लिए हैं पॉइंट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा या हाउ आर यू या फिर हेलो या फिर हाई हेलो या नन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है भाई। तो सर यहाँ पे आपका आंसर आएगा अगर देखा जाए तो डी हाई हेलो। क्वेश्चन 5th का आंसर लगाइएगा फटाफट से, डी हाई हेलो। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट एरे ऑन जावा, जावा के अंदर इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, अ जावा एरे इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, या फिर अ लेंथ ऑफ एरे कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन ऑफ एरे, या फिर एरे इन जावा आर ऑलवेज एलोकेटेड ऑन हीप, या फिर नन ऑफ दीज, या बोथ ए एंड सी। तो 6 का सर यहाँ पे आंसर क्या आएगा देखते हैं फटाफट से बताइएगा, 6 का क्या रहा है, ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो सर यहाँ पे हमारा आंसर आएगा आपका सही है इसमें बी, ऑप्शन बी लगाइएगा 6 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनल कीवर्ड इन जावा, तो सर व्हेन अ क्लास इज मेड फाइनल अ सब क्लास ऑफ इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऑप्शन ए इसका ये है, या फिर व्हेन अ मेथड इज फाइनल इट कैन नॉट बी ओवररिडन, या फिर व्हेन अ वेरिएबल इज फाइनल इट कैन बी असाइंड वैल्यू ओनली वंस, या फिर नन ऑफ दीस या फिर ऑल ऑफ दीस। बताइए भाई क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर सारे होंगे, ए भी सही है या फिर बी भी सही है या फिर आपका सी भी सही है। तो सर यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ई, ऑल ए बी एंड सी, सारे आपके ऑप्शन क्या हैं सही हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा प्रोग्राम, क्या आपका आउटपुट मिलेगा आपको जावा प्रोग्राम का, तो क्लास मेन, ठीक है, और यहाँ स्टार्ट किया पब्लिक स्टैटिक, वॉइड मेन फंक्शन किया है, और आई जो वेरिएबल ले लिया 20 वैल्यू ले ली है, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन। तो बताइए भाई 20 एरर आए, 20 आएगा या कंपाइलिंग टाइम एरर आएगा या 0 आएगी वैल्यू या नन ऑफ दीज या रन टाइम एरर। तो सर यहाँ पे हमारा आंसर आएगा आपका ए 20 इज़ द राइट आंसर। इन सी पैरामीटर आर ऑलवेज पास्ड बाय द वैल्यू या फिर पास्ड बाय द रेफरेंस या नॉन पॉइंटर वेरिएबल आर पास्ड बाय वैल्यू एंड पॉइंटर्स आर पास्ड बाय रेफरेंस या पास्ड बाय वैल्यू रिजल्ट या फिर नन ऑफ दीज, क्या आंसर आएगा सर क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा आपका ए, यानी कि पास बाय द वैल्यू, ठीक है, क्योंकि सर सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप कोई पैरामीटर देखते हो तो सर वो हमेशा किसके द्वारा पास होता है, वैल्यू के द्वारा। सर 10 कहता है सर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट फाइल यानी कि एफ पी किसकी, और इसमें के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाई फाइल इज अ कीवर्ड इज इन सी फॉर रिप्रेजेंटिंग फाइल्स एंड एफ पी is a variable of file type, yes sir, file is a structure and fp is pointer to structure of a file type, yeah file is a stream, yeah file is a word stream, yeah file is handling। to bhai kya answer aayega question ka, option a hoga ya option b hoga ya option c hoga, question number 10 ka answer lagana hai kya hoga, to sir 10 ka hoga b, theek hai। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द डेटा टाइप्स हैव साइज दैट इज वेरिएबल, इसमें से कौन से डेटा टाइप्स दैट टाइप हैव साइज दैट वेरिएबल, इंट स्ट्रक्ट या फिर फ्लोट या फिर डबल या नन ऑफ दिस, तो सर इसमें आपका आ जाएगा स्ट्रक्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का लगाइएगा बी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड, जब आपका स्टेज डिक्लेयर कर दिया जाता है तो क्या होता है, तो इट विल नॉट एलोकेट एनी मेमोरी या इट विल एलोकेट द मेमोरी या इट विल बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड या फिर नन ऑफ दिस या बोथ ए एंड बी, तो सर ऑप्शन ए या बी या सी या डी क्या सही होगा आपका।
तो सर इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, इट विल नॉट एलोकेट एनी मेमोरी। नेक्स्ट 13 आता है, द डेटा एलिमेंट्स इन स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज वाट, ऑब्जेक्ट या मेम्बर्स या डेटा या नन ऑफ दीज या बोथ ए एंड सी। तो सर ऑप्शन इसका आंसर लगाइएगा सीधा ए, नो बी होगा मेम्बर्स, ऑप्शन बी लगाइएगा 13 का। क्वेश्चन 14 कहता है विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन पैकेज इन जावा। तो भैया पी के जी या फिर आपका पैकेज या फिर पैकेज दिया हुआ है या फिर नन ऑफ दीज, तो आंसर लगाइए इसमें सर आपका सी, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे इम्पोर्टिंग एन एंटायर पैकेज। तो सर इम्पोर्ट पीकेजी या फिर इम्पोर्ट पीकेजी या फिर इम्पोर्ट स्टार लगाया है, तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या डी या ई। तो सर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, सी, सी इज़ द राइट आंसर, ध्यान से लगा लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस सैलरी बाई पास मैनेजर बाई क्लास मैनेजर। तो ऑप्शन क्लास ए है आपका क्लास मैनेजर एक्सटेंड सैलरी, या ऑप्शन बी है आपका क्लास मैनेजर इम्प्लीमेंट सैलरी, या सी है आपका क्लास मैनेजर इम्पोर्ट सैलरी, या नन ऑफ दिस या बोथ ए एंड बी। 16 का आंसर लगाना है, क्या आंसर आएगा 16 का, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो सर यहाँ पे लगाएगा आंसर आप सीधा बी, क्लास मैनेजर इम्प्लीमेंट बाई द सैलरी। 17 कहता है सर आपका, इन विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग कोड इंक्लूड डॉट studio डॉट एच गेट्स रिप्लेस्ड बाई द कंटेंट्स ऑफ द फाइल स्टूडियो डॉट एच ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग लिंकिंग ड्यूरिंग एडिटिंग और नन ऑफ दीज। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा या ई होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग, ऑप्शन ए लगाइएगा ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। 18 है सर आपका, एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड सीक्वेंशियल वे में होते हैं या रैंडमली होते हैं या बोथ में आते हैं, सीक्वेंशियल एंड रैंडम या फिर आपका बोथ ए एंड बी। तो भाई बताइए ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या लगा रहे हैं आप लोग, देखते हैं ए बी सी, ए लगाइएगा सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन। तो सर मैं समझता हूँ कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, या फिर फंक्शन इज द फंडामेंटल मॉड्यूलर यूनिट, अ फंक्शन इज यूजली डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, या फिर फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इट हैज अ नेम एंड इट रियूजेबल। बिल्कुल सही है। तो सर या फिर डी है ऑल ए एंड बी एंड सी। तो भाई फंक्शन के ऑप्शन कितने सही हैं इसमें, सारे सही हैं तीनों या फिर कोई एक सही है। वेरी गुड सर, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑल, यानी कि ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं सही हैं, मैच करते हैं आपके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सेस द सेवंथ एलिमेंट स्टोर्ड इन ए डबल आर आर एन एरे विद 100 एलिमेंट्स। तो सर ऑप्शन ए सही है या बी सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है, फटाफट से आंसर दीजिए आराम सोच के। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सेस द सेवेंथ एलिमेंट स्टोर्ड इन। तो भाई ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जिसको हमने पूरा यहाँ पर कवर किया है। और इस क्वेश्चंस में आपको लगता है कि भाई कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इनको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से कवर करना है भाई। इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से बन सकते थे वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं,
बाकी के सर आप लोग जो है आप टाइम बहुत कम है आपके एग्ज़ाम को, तो सर आपसे बताने देना चाहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस का दोबारा से अपनी जो प्री की अपने पेपर हो ही गया, अब मेंस की जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसको परचेज कर लीजिए आप और वो लगाना शुरू कर दो भाई, ठीक है। जिसको भी लगता है कि सर हाँ हमारा प्री तो हो जाएगा, और जिसको ये लग रहा है कि प्री नहीं होगा सर वो भी करो यार, क्योंकि प्री बाय द वे अगर नहीं हो पाया तो सर मेहनत ख़राब तो नहीं आएगी ना। लेकिन आप सोच रहे हो सर हम तो तभी तैयारी करेंगे जब प्री हमारा आ जाएगा रिजल्ट, उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं करेंगे, तो भाई ये करना गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। तो ध्यान से सभी लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू करनी है, टाइम को मैनेज करना ही है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो आपको सारा पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम जो है आपके नेक्स्ट आपके क्लास के अंदर आपके लिए नए टॉपिक्स पर MCQ लेके आएंगे, राइट। तो भाई MCQ की अगर आपको पाठशाला पढ़नी है, आपको तैयारी करनी है, आपको लगता है कि सर हाँ हम अपने आप को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एक तरह से व्हाट्सअप करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो आज के लिए हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है, ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।